नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। इसके पहले मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, ये आप देख सकते हैं। और आज मैं जो वीडियो आप लोगों को बना रहा हूँ ये रेजिस्टेंस के बारे में अभी बना रहा हूँ। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज जो है टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस के प्रकार, मतलब कितने प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं वो मैं आप दिखाता हूँ। इसके पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ कि रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको रखता हूँ पहले यहाँ पे जो होता है ये मैं आपको रखता हूँ फिक्स रेजिस्टेंस। ये फिक्स रेजिस्टेंस है, इधर वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस और ये फिक्स रेजिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने इसके पहले बताया हूँ कि वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है उसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और फिक्स रेजिस्टेंस जो होती है उसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसको जितने मान की होती है उतने मान की ही वो रहती है। जैसे फिक्स रेजिस्टेंस में कई रेजिस्टेंस होते हैं, जैसा कि मैं लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए फिक्स रेजिस्टेंस में आप देख पा रहे होंगे, देखिए पहला कार्बन रेजिस्टेंस हमने लिखा हूँ, दूसरा मेन रेजिस्टेंस, वायर वाउंड रेजिस्टेंस, फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, एक VDR रेजिस्टेंस जो कि वोल्टेज डिपेंडिव रेजिस्टर होता है, और पांचवा पर देखिए LDR लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस है। देखिए छठा अपने PTC लिखा हूँ जो कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, मतलब कि ये वोल्टेज पे मतलब निर्भर करता है, और मैं इसका आपको सिंबल दिखा दे रहा हूँ। और वेरिएबल में तो मैंने जिसे कई प्रकार के होते हैं रेजिस्टेंस, इसलिए मैंने आपको जिसे दिखा दे रहा हूँ अलग अलग नाम से जानते हैं। जिसे जैसा कि ये देखिए, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहाँ से इसकी वोल्टेज को इस तरह से इसे घुमाएंगे, वोल्टेज कम ज़्यादा इसकी होती है। देखिए इसको प्रीसेट के नाम से जानते हैं, देखिए जिससे वाटेज ज़्यादा होती है बड़ी होती है। देखिए ये भी प्रीसेट ही है, ये भी देखिए तीन पिंक होती है, ये भी घुमाने के लिए बना होता है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए इसमें भी एक पिन ये होती है, एक पिन ये होती है, और कितने वैल्यू होती है इसकी यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है, और ये भी कितने वैल्यू के है इसकी, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू लिखी होती है। देखिए ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, वॉल्यूम कंट्रोल के साथ में इसमें ऑन ऑफ होता है, और देखिए ये मतलब एक, देखिए ये दो पिन जो होती हैं ये ऑन ऑफ होती हैं, और एक दो तीन ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, इस तरीके से ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। देखिए ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, सेवन पॉट के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर नाब लगा कर इसको घुमा करके कम ज़्यादा करते हैं, जिससे हम आवाज़ वाज कर लेते हैं, आवाज़ को कम ज़्यादा करना होता है। देखिए ये भी वॉल्यूम कंट्रोल इसको नाम से जानते हैं, देखिए ये भी जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पर ऑन ऑफ होती है, इस तरीके से होती है यहाँ पर जो है। ये देखिए ये PTC है, ये अभी जो हमने दिखाया हूँ PTC को, ये PTC है जो मतलब
पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, मतलब ये कि वोल्टेज पे, मतलब कि ये अगर इससे ज़्यादा ओवरलोड होगी, लोड ज़्यादा पड़ेगी तो ये जीरो में दर्शाएगी आपको, लेकिन लोड पड़ने ज़्यादा लोड होगी तो ये हीट होता है, हीट होने पे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, ज़्यादा हीट कर देंगे ये ओपन की स्थिति में दिखाती है, जिससे कि हमारी आगे के सर्किट में सुरक्षा होती है, इसके लिए होती है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वोल्टेज डिपेंडिंग रेजिस्टेंस है, जो ये मैं दिखा रहा हूँ VDR, वोल्टेज डिपेंडिंग रेजिस्टेंस ये होती है। इसको हम सर्किट में कहीं भी AC सर्किट में लगाते हैं, जिससे TV हुआ, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है, तो ये जो सर्किट होती है यहाँ से, जिससे हमने 230 वोल्ट देते हैं, तो ये इसके बीच में पैरेलल में लगा देते हैं इसको, ये इसको बीच में पैरेलल में लगा देते हैं, क्योंकि ये 270 वोल्ट का ही मतलब आपने यहाँ मिलता है, ये 270 वोल्ट से जब ज़्यादा होता है तब ये गर्म होता है, तो ये गर्म होता है तो इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, जब कम हो जाती है इसकी वैल्यू तो ये शॉर्ट सर्किट का मतलब वो करता है, तो आगे के फ्यूज अगर यहाँ पे अगर ये फ्यूज लगा दिए, फ्यूज ब्लास्ट हो जाती है, इससे हमारी सर्किट की सुरक्षा होती है, इस तरीके से ये काम करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया मेन रेजिस्टेंस, जैसा कि ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये कार्बन रेजिस्टेंस, देखिए ये सब ये कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, ये कार्बन रेजिस्टेंस है, और कार्बन रेजिस्टेंस को मैंने आपको कलर कोड के बारे में दिखा दिया हूँ पहले से ही, कि मतलब कलर किस तरीके से निकालते हैं। और देखिए कार्बन रेजिस्टेंस में भी देखिए ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि ये मतलब कि लोड पड़ने पर ये ओपन हो जाते हैं, अगर इसके क्षमता से अधिक लोड होता है तो ये ओपन हो जाता है, इसीलिए इसको फ्यूजिबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये देखिए ये कार्बन रेजिस्टेंस है, ये 2 वाट में है, ये देखिए ये 1/2 वाट में कार्बन रेजिस्टेंस है, और देख सकते हैं ये 1/4 वाट में रेजिस्टेंस, ये 1/4 वाट में है ये, इस तरीके से होता है, ये कार्बन रेजिस्टेंस है जो कि मैंने ये ऊपर दिखाया हूँ, ये देखिए ये सब ये कार्बन रेजिस्टेंस है। अब दिखाते हैं, ये कार्बन रेजिस्टेंस है जो कि सर्किट में इस तरीके से बनता है, ये मेन रेजिस्टेंस, ये मेन रेजिस्टेंस है, और इसी को वायर वाउंड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नाइक्रोम का तार लपेट करके ये बनाया जाता है इस तरीके से, तो इसलिए इसको वायर वाउंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये इस तरीके से होता है। लेकिन सर्किट में आपको ये भी वैसे ही दिखेगा, ये भी वैसे ही दिखेगा सर्किट में जो सर्किट बनी होती है, और मेन रेजिस्टेंस भी आपको सर्किट में सिंबल ऐसे ही रहता है। देखिए फ्यूजिबल रेजिस्टेंस अभी जो मैं आपको दिखाया हूँ, जिसे देखिए ये कि ये देखिए ये सीमेंट के कोटेड होती है सीमेंट पे, और इसकी वैल्यू इसके ऊपर लिखा होता है, इसकी वैल्यू भी इसके ऊपर लिखे होते हैं। देखिए अलग अलग ये सब वही फ्यूजिबल के तरीके से भी काम करते हैं, ओवरलोड होने पे ये ओपन हो जाते हैं, ये सब चीज़ें। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए जो पॉजिटिव ये जो रेजिस्टेंस है, देखिए क्योंकि ये टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है, तो इसका सिंबल में आपको ऐसे मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, इसको ऐसे कवर कर देंगे PTC को, और यहाँ पे जो है ये T बना करके एक ऊपर जीरो रख देते हैं ऊपर में, ये टेम्परेचर पर काम करता है, इसलिए इसको आपको सिंबल में ऐसे ही मिलेगा ये। देखिए और ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस मैंने बनाया हूँ, ये भी आपको सर्किट में ऐसे मिलेगा, और मैं आपको बता दूँ वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट में, देखिए ये रेजिस्टेंस हो जाता है, एक पिन ये हो जाती है, एक पिन ये हो जाती है, ऐसे तीर के निशान बना देते हैं, ये सर्किट में आपको ऐसे मिलेगा 1, 2, 3, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस तरीके सर्किट में आपको मिलता है,
जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया हूँ, आप इसमें जो है देखिए 1, 2, 3 जब आप इसको घुमाएंगे यहाँ यहाँ नापेंगे तो जितने वैल्यू का है ये पूरा वैल्यू भी दर्शा देगा, प्लस इधर से लिखा भी रहता है, पूरा वैल्यू दिखा देगा। और इधर जब घुमाएंगे देखिए, एक पिन इधर के यूज कर लीजिए, एक पिन इधर के यूज कर लीजिए, इधर घुमाएंगे तो ये जीरो हो जाएगी। इसको घुमाते चले जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती बढ़ती पूरे अपने स्थान पूरी हो जाएगी। इस तरीके से ये काम करता है। और देखिए ये जो है इस तरीके से ये बनाए रखते हैं। देखिए अलग अलग टाइप के होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी। और देखिए ये इस टाइप के भी होते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको थर्मल पॉट के नाम से जानते हैं। अलग अलग मॉडल पे है वेरिएबल रेजिस्टेंस ही, सब अलग अलग नाम पे, कोई थर्मल पॉट बोलता है, कोई कुछ मतलब है बोलते हैं। जैसे आप इसी को देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस है, प्रीसेट बोलते हैं, थर्मल पॉट बोलते हैं, कोई टोन कंट्रोल इसको बोलते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। देखिए ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, ये कार्बन रेजिस्टेंस टाइप की है जो है। एक बात हम कहना चाहेंगे, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन का मैसेज जाता है, आप वहां से हमारी वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। और लास्ट में अगर वीडियो आपको पसंद आए आप लाइक करिए, कुछ प्रॉब्लम या कुछ सुझाव देना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आगे मैंने आपको तो इसकी वैल्यू के बारे में दिखाई दिया हूँ, आज की वीडियो बस मैं इतना ही बनाना चाहता हूँ। जैसा कि देखिए ये मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे देखिए इस पर कौन सा कलर है, देखिए जैसे येलो है, देखिए ये रेजिस्टेंस हो गई, और ये मतलब इसको मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए पहला जो है इसका जो कलर बैंड है ये येलो है, देखिए दूसरा जो इसका कलर बैंड है देखिए दूसरा इसका जो है कलर बैंड वायलेट है, और तीसरा इसका जो है ग्रीन है। ग्रीन है और ये वायलेट है। और यहाँ जो चौथा लगा हुआ है ये गोल्डन है, ये गोल्डन है। और इसमें देखिए मैं आपको पहले भी दिखा चुका था, ये इसमें देखिए जैसे देखिए पहला येलो है, येलो येलो कहाँ पे है हमारा, देखिए ये है, देखिए ये येलो 4 नंबर पे है, ठीक ये 4 नंबर पे है, ये तो क्रमांक है इसका, मतलब इधर से रखा हुआ है। देखिए येलो 4 नंबर पे है, तो आप पहले को और दूसरे को अंक में उतारिए, मतलब आप यहाँ पे 4 उतार लीजिए। और दूसरा देखिए वायलेट है, वायलेट देखिए हमारा 7 नंबर पे है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये 7 नंबर पे, तो आप यहाँ पे 2 अंक मतलब 7 को उतार लीजिए। अब देखिए पाँचवा हमारा ग्रीन है, ग्रीन के नंबर पर 5 नंबर पर। अब देखिए तीसरे अंक को हमको 0 बढ़ाना है, 1, 2, 3, 4, 5 0 बढ़ाना है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ये क्या हो गया, ये 47 लाख ओम हो गया। तो अब इसको हम करेंगे क्या कि इसको हम मतलब कि भाग करके इसको हम इतना बड़ा तो बोलेंगे नहीं, छोटे में कर लेंगे। तो हमको इसमें कितने से भाग देना है, 10 लाख ओम से। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख
10 लाख। अब देखिए इसमें हुआ क्या, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये, एक जीरो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब बचा यहाँ पे कितना हो गया, अब बराबर इतना हो गया। अब इसमें आप 10 से फिर से भाग करिए, 10 बचा हुआ है, ये बराबर हो जाएगा 4.7 मेगा ओम, ये 4.7 मेगा ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और देखिए जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ और मीटर से मैं आपको दिखा भी देता हूँ चेक करके इसके वैल्यू को जो है। अब इसमें देख सकते हैं मीटर पे, ये देखिए ये 5 मेगा ओम दिखा रहा है, थोड़ा सा हमारा मीटर लगता है बैटरी पे कुछ गड़बड़ है इसलिए एक्यूरेट नहीं दे रहा है, नहीं तो ये आपको 4.7 मेगा ओम दिखाता है। ये देखिए मैं दूसरा रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दिखाता हूँ, और ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, देखिए इसमें भी पहला क्या है रेड है, जिससे ये मैंने देखिए ये इसमें कलर बैंड देखिए इसमें पहला रेड है, दूसरा ये भी रेड है देखिए, और तीसरा क्या है ब्लैक है, देखिए तीसरा ब्लैक है, ब्लैक है। अब देखिए चौथा क्या है गोल्डन है, गोल्डन हो गया। अब इसमें क्या करना है, पहला रेड है आपको जिसे कि मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ, देखिए रेड हमारा दूसरे स्थान पे आता है, देखिए हमको यहाँ पे 2 उतार लेना है, देखिए फिर रेड है दूसरे स्थान पे 2 अंक के, मतलब हमको 2 अंक को क्या करना है कि उतार लेना है। अब तीसरे अंक में अगर ब्लैक आता है तो उसको हमें उतारने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा क्या हो गया, ये 22 ओम हो गया, ये 22 ओम हो गया सीधा सीधा, इसकी ये वैल्यू हो गई। और देखिए एक रेजिस्टेंस हमारे पास जिसे ये हो गया, अभी एक रेजिस्टेंस और देखिए ये भी मतलब है, देखिए अब इसको क्या करना है, देखिए इसमें खाली 2 ही कलर है बाकी गोल्डन गोल्डन है, अगर 2 गोल्डन आती है जिसे देखिए रेजिस्टेंस मैंने बनाया, देखिए ये एक एक बैंड एक कलर ये हो गया कलर बैंड, दूसरा कलर बैंड ये हो गया, ये तीसरा कलर बैंड हो गया और ये चौथा कलर बैंड हो गया ठीक। देखिए पहला रेड, दूसरा देखिए दूसरा भी रेड है, अब देखिए तीसरा क्या है गोल्डन है, और देखिए चौथा भी ये गोल्डन है, ये गोल्डन है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए अगर ये डबल, अगर मतलब कि अगर डबल गोल्डन होता है तो आपको 10 से भाग करना है, अगर ये दोनों डबल सिल्वर हो जाती है तो अब आपको 100 से भाग करना है। देखिए इसमें हमने क्या किया, देखिए रेड 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 2 पे है, फिर रेड 2 पे है, अब देखिए ये गोल्डन गोल्डन है, इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको 10 से भाग कर देना है, जब 10 से भाग कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2.2 ओम, ये इस तरीके से हो जाएगा। मान लीजिए यही अगर हम रेजिस्टेंस देखिए हम बनाते हैं, अब हमारे पास उस अभी वो रेजिस्टेंस नहीं है तो हम आपको दिखा देते, देखिए मान लीजिए कि
पहला हम रख लीजिए ब्राउन हो गया, ब्राउन हो गया, मान लीजिए दूसरा जो है ग्रीन कर दीजिए, ग्रीन देखिए। चौथा क्या है अभी, क्या है गोल्डन है, ये सिल्वर हो जाएगा, ये सिल्वर हो गया तीसरा, और चौथा भी सिल्वर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना, देखिए हम उसको पहले भी बता चुके हैं, पहला ब्राउन एक हो गया, देखिए मतलब कि ये दूसरा क्या है ग्रीन है, ग्रीन का मतलब देखिए ये दिखा दिया, ये ग्रीन का मतलब ये पाँच, यहाँ पे आप पाँच उतार लीजिए, इसी पे ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी की वैल्यू आती है, इसी जो मैं अभी आप दिखा रहा हूँ इसी पे। उसके बाद देखिए फिर क्या, सिल्वर सिल्वर हो गया, तो इसमें क्या करना है, अब हमको देखिए गोल्डन गोल्डन हमको 10 से भाग करना है, सिल्वर सिल्वर पे हमको 100 से भाग कर देना, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 0.15 ओम, मतलब 0.15 ओम हो जाएगा, ये चीज़ के इस तरीके से ये काम करता है। बस आज के लिए इतना ही, आप जान लीजिए कि मैंने आपको दिखाया था, जिसे आगे की वीडियो में आपको इतना आप लोग देख लीजिए, आगे की वीडियो हम जो है जो बनाएंगे उसमें हम आपको डायोड के बारे में बताएंगे, डायोड बताएंगे, डायोड के बाद फिर कंडेंसर के बारे में बताएंगे, कंडेंसर के बाद फिर आपको ट्रांजिस्टर वगैरह के बारे में हम आपको बताएंगे। और एक बार हम फिर कहना चाहेंगे, जो लोग मेरे वीडियो पर नए हैं चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इसी के साथ आपकी वीडियो बंद करते हैं, अगली वीडियो का आप बहुत जल्द बनाएंगे, हम आपको डायोड के बारे में, डायोड कितने प्रकार के होते हैं ये सब चीज़ जो है, एक चीज़ हमने थोड़ा सा इसमें बताना भूल गए थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से थोड़ा सा, जैसा कि देखिए हमने ये सिंबल में, जिसे LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, LDR का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसको ऐसे गोरे में रहता है, और इस पर देखिए इस पर दो तीर बना देते हैं क्योंकि इस पर लाइट पड़ती है। LDR में होता क्या है, ये इस तरीके से आप सर्किट में पाएंगे, मतलब सर्किट में क्या, सर्किट में इस तरीके से पाएंगे, LDR ऐसे होता है, एक पॉइंट यहाँ होता है, एक पॉइंट यहाँ होता है, इस तरीके से आप देखेंगे, अभी हमारे पास है ना तो आपको दिखा देते हैं। देखिए तो इस पर क्या होता है, जब लाइट पड़ती है तो ये मेगा ओम में, इसकी बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, जब लाइट पड़ती है रेजिस्टेंस कम होती चली जाती है, लाइट ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये जीरो ओम हो जाती है, ये अंतर मतलब इसमें आता है। और सर्किट में इसको इस तरीके से बनाते हैं, हमने आपको दिखा दिया, देखिए जिससे सारे रेजिस्टेंस इसी तरीके से दिखाते हैं, फर्क क्या होता है, जिसे देखिए ये जो है ये PTC आपको सिंबल में इस तरीके से मिलेगी, देखिए LDR लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस आपको इस तरीके से सिंबल मिलती है, और देखिए कार्बन रेजिस्टेंस, मेन रेजिस्टेंस, ये सब इस तरीके से मिलेंगे आपको, वेरिएबल इसी तरीके से मिलेंगे सर्किट में। और जो ये VDR होता है, ये सर्किट में आपको इस तरीके से दिखेगा, ये रहता है खाली, इसको जो है बस इसको गोले में घेर देते हैं, ये VDR होता है, ये VDR होता है, वोल्टेज डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। और देखिए ये जो मतलब टेम्परेचर, इसलिए टेम्परेचर बना देते हैं क्योंकि PTC है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट, मतलब कि ये जो हमारा हीट होता है तो इसकी मतलब कि वैल्यू में परिवर्तन आता है, इसलिए इसको गोले में घेरने के बाद टी बना करके एक ये बना देते हैं, टेम्परेचर का वो बना देते हैं, ये पहचान है। LDR में क्या होता है, गोला बनाने के बाद आपको इस पर दो तीर बना देते हैं, मतलब लाइट के तीर बना देते हैं LDR के लिए। आगे